LSUI के नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एट प्रेजेंट ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, हमारे समाज में से आते हैं। इस ऊंचाई को छूना गलत, आज ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठे हुए हैं और ये वहां पे बैठ के भी हमारे लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारे लोगों के काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब सुमित जौहर डॉक्टर सर खत्री सर डॉक्टर राकेश चौधरी अमित चलोत्रा जी वी आर हियर इन जम्मू और हमारे साथ हैं एक सिग्निफिकेंट डे पे बी आर कुंडल सर जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। सर दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री, ट्राइब्यूट स्पेशल ट्राइब्यूट टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया और इस देश को कैसे गवर्न करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस दिए। सर क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में, एक सिग्निफिकेंट डे है सर, वेलकम। बहुत ही सिग्निफिकेंट डे है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बाबा साहब की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं है। माने हुए जूरिस्ट थे, इकॉनमिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, एजुकेशनिस्ट थे और टॉप के पार्लियामेंटेरियन, सोशल और पोलिटिकल रिफॉर्मर। उन्होंने ना सिर्फ दलितों के लिए काम किया बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें हर वर्ग के लोगों को, जिसमें लेडीज़ हैं, लेबरर हैं, किसान हैं, सबके मुतालिक कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर लिखी गई है। और अगर हम उनको यही कहली कहेंगे ये दलितों के लीडर हैं तो मैं समझता हूँ उनका कद जो है वो बहुत हम छोटा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो देखे गए हैं ये दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको चलाने के लिए जो तरीकाकारों ने उसमें बनाया है वो भी उसी में दिया हुआ है। सबसे ब्यूटी इस बात की है, आज हम इस दिन को मना रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज यहां पर बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े जवान लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और अच्छी नौजवान हैं जो यहां पर आज फिर आए हुए हैं और लोगों में जज्बा है, बहुत अच्छा जज्बा एक आ गया है बाबा साहब के मतलब कि हम उनके दिए हुए रास्ते को फॉलो करेंगे। मेरी एडवाइस यही है अपने लोगों को कि वो बताए हुए रास्ते पर चले, एजुकेट करें, इकट्ठे हो जाएं और इसी तरीके से हमारा समाज जो है वो आगे चलेगा। इस वक्त की अगर हम बात करें करंट जो सिनेरियो है जम्मू कश्मीर में और भारतवर्ष में, रेस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं हमारी, सर पिछले 10 साल से हमारी जनता जो है वो जूझ रही है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं लेकिन वो ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। सर क्या कहेंगे इस स्पेशल डे पे आप, विदाउट इलेक्ट्रल कंपटीशन के यहाँ जम्मू कश्मीर को रखा गया है पिछले 10 सालों से, एलजी शासन ठोक के रखा है और ये कहीं डिक्टेटरशिप की ओर साफ साफ तौर पर हम जा रहे हैं, इलेक्शन भी आने वाली है, और क्या यहाँ से आप इस अहम दिन का मैसेज देंगे जनता को कि टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ को कैसे स्थापित करना है? डेमोक्रेसी के बगैर हमारा कोई भी काम हो नहीं सकता। डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है और वो रहेगा, रहा है और आगे भी रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि डेमोक्रेसी जो है उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमारे साथ है NSUI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंडल सर। सर इस सिग्निफिकेंट डे पे आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं और जिस तरह यहाँ पैशन है, जज्बा है लोगों में, सर इस पर क्या संदेश देंगे जम्मू कश्मीर की जनता को, स्पेशली यूथ्स को जो जूझ रहे हैं पिछले 10 सालों से सर, विदाउट रूल ऑफ लॉ, विदाउट डेमोक्रेटिक सेटअप? देखिए सबसे पहले तो मैं आज के इस दिवस पे जो है पूरे देश भर की जनता को, पूरे देश की आवाम को, पूरे विश्व की आवाम को जो है बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी पे जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और आज जब हम महापुरुष को याद कर रहे हैं तो उनके दिए गए हुए संविधान को याद करूंगा और साथ साथ में आज हमें याद करना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, जिस संविधान ने आज हमें समानता की ताकत दी, जिस तरीके से बी आर कुंडल सर ने आप लोगों को बताया कि ये संविधान जो है ना केवल पिछड़ी जातियों को समानता का अधिकार दिया बल्कि इस संविधान ने एक जैसे गरीब को भी एक वोट डालने की ताकत दी और वहीं अमीर भी को एक वोट डालने की जो है ताकत दी। तो इस संविधान ने समानता जो है इस देश में लाने में जो है काम किया और आज हमारा ये प्रण बनता है कि जो भी आने वाले समय में इस संविधान के ऊपर आंख उठाकर भी देखेगा हम उसकी आंख को नोचने का काम जो है वो करेंगे, उससे पीछे जो है नहीं हटेंगे। और आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले 10 सालों से हमारी प्रदेश की जनता को जिसको प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, हमें चुनाव जो जमहूरियत का सबसे बड़ा एक पर्व माना जाता है उस जमहूरियत से जो है वंचित रखा गया है और आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जब एक लोकसभा के चुनाव विधानसभा का चुनाव भी कराया जा सकता था जहां एक वोट लोकसभा को डालना था दूसरा वोट जो है विधानसभा में डाला जा सकता, ये दर्शाता है कि इनके दिल जो है वो कमज़ोर है, भारतीय जनता पार्टी के दिल कमज़ोर है, डरते हैं, डरपोक हैं, इसलिए जनता से जो है डर के कारण जो है चुनाव नहीं करा रहे हैं। परंतु आप देखेंगे अभी केंद्र में इंडिया लाइंस की सरकार आएगी और जल्द ही इस प्रदेश को जो हमारा मैनिफेस्टो है राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा और चुनाव भी जो है जल्द होंगे। इस बार माननीय मोदी साहब ने कहा कि संकल्प पत्र मैनिफेस्टो रखा है कि मोदी की गारंटी क्या कहेंगे, मोदी की गारंटी जो है देश में बेरोजगारी, मोदी की गारंटी जो है वो है महंगाई, मोदी की गारंटी है शिक्षा का निजीकरण करना, मोदी की गारंटी है कि एक गरीब का बच्चा जो है पढ़ न सके, मोदी की गारंटी जो है हम दलित और पिछड़े जाति के लोगों के साथ जो है शोषण करना, और ये गारंटी जो है अब देश जो है इसको नकार चुका है और इस देश की गारंटियों के साथ भी मोदी जी को भी बाय बाय टाटा देश की जनता जो है 2024 में करेगी। और उनको जिस तरीके से उन्होंने अग्निवीर करने का काम किया है अब उनका काम आ चुका है कि घर पे जो है उनको बिठाने का काम ही जनता करेगी। गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। थैंक यू सो मच।